नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारी वीडियो देख रहे होंगे। मैं आपका अपना आशीष लोधी आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से नए सिरे से पेमेंट करना है और कोई भी बिना एरर के इस पेमेंट को हम सफल कैसे बनाएं। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि कुछ चेंजेस हुए हैं ईग्राम स्वराज की पेमेंट हेड में। तो किस प्रकार से उनसे डील करना है और किस प्रकार से हमें अच्छी तरीके से पेमेंट करना है, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको ई ग्राम स्वराज की मेकर आईडी में खोल लेना है, जिस प्रकार से हमने ओपन करके रखी हुई है। तो हम आपको बता देते हैं किस प्रकार से एरर हमें देखने को मिल रहा है। तो हम एक जनरली एक वाउचर बना के देखेंगे, पेमेंट वाउचर में जाएंगे, ऑनलाइन पेमेंट वाउचर पर क्लिक करेंगे। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नज़र आएगा, जिसमें कि आपको नेचर ऑफ पेमेंट में एक्सपेंडिचर ही सिलेक्ट करने देना है। वर्क में आपको अपना वर्क चूज कर लेना है और स्कीम में आपको XBFC चुन लेना है। देन अकाउंट हेड में हम आपको बताएंगे कि यह जो एरर है अकाउंट हेड में ही आ रहा है, तो सिलेक्ट अकाउंट हेड में हम क्लिक करेंगे। टाइड ग्रांट जो भी आपका ग्रांट है वो उधर पे आपको शो होगा। मेजर हेड में वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन जो भी आपका आएगा उसको आपको क्लिक करना है। माइनर हेड में देखिए इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, अदर एक्सपेंडिचर, अदर एक्सपेंडिचर, अदर एक्सपेंडिचर और ये अदर एक्सपेंडिचर, जो भी आपको क्लिक करना हो एक अदर एक्सपेंडिचर पर आप क्लिक कर दीजिए। देन PFMS हेड्स में आपको एक सिंगल ऑप्शन आएगा, उसमें आपको क्लिक कर देना है। ऑब्जेक्ट हेड में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दो ऑब्जेक्ट हेड आ रहे हैं, एक तो आ रहा है O&M ऑफ कलेक्शन सेंटर ऑफ मेंस्ट्रुअल बेस्ड मैनेजमेंट एंड सेकेंड वन इज सप्लाईज एंड मटेरियल्स। तो अपन को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जो कि है सप्लाईज एंड मटेरियल। तो हम लोगों को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है सप्लाई एंड मटेरियल पर। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ जो भी आपका है उसको सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको उधर पे टोटल फंड आ जाएगा और जितना आपने यूज़ किया हुआ है वो फंड आ जाएगा। जैसे ही आप इसमें अपना कोई भी एक अमाउंट डालते हैं, जैसे मान के चलिए मैं इधर पे 5000 का एक वाउचर लगाना चाहता हूँ, बिल लगाना चाहता हूँ, तो इधर पे मैं डालूंगा और इधर पे भी मैं डाल के देखूंगा और सबमिट पर क्लिक करूंगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये एरर आएगा प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट वन आइटम। तो इसमें आइटम आपको अभी कोई भी शो नहीं कर रहा है, इसको आपको मैप करना होगा एडमिन आईडी से। तो चलिए हम उस प्रोसेस को भी बता देते हैं आपको किस प्रकार से मैपिंग करनी है। तो चलिए हम आ जाते हैं अपनी एडमिन आईडी पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने स्विच कर लिया है अपनी एडमिन आईडी पर और एडमिन आईडी को लॉगिन करके रख लिया है। देन आपको 3 लाइंस पर जाना होगा जो कि मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, ये देखिए इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ऑप्शंस आ जाएंगे इधर पे। ऑप्शंस आने के बाद आपको जाना होगा मास्टर एंट्री वाले ऑप्शन में। जैसा कि आप देख पा रहे होगे ये मास्टर एंट्री वाला ऑप्शन इधर पे है, इस पर आप क्लिक करोगे। मास्टर एंट्री पर जाने के बाद आपको एक और ऑप्शन नजर आएगा, इसमें कि लिखा हुआ है स्टॉक आइटम्स, स्टॉक्स आइटम वाला ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप क्लिक करोगे। मैप स्टॉक आइटम पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो कुछ नई विंडो ओपन होके आएगी, जिसमें कि आपको काफ़ी सारे आइटम्स इधर पे नज़र आ रहे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ दो ही आइटम इधर पे मैप हैं, फेस मास्क एंड लिक्विड सैनिटाइज़र। तो हम इन सब को भी इस वाली लिस्ट में ऐड कर लेंगे जो कि आप देख पा रहे हो। उनको सारे को सिलेक्ट करके इनको लिस्ट में इधर डाल लेते हैं। सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करके मैं इस लिस्ट में डाल लूंगा, लिस्ट ऑफ ऑलरेडी मैप आइटम्स वाले में, और इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। अगर आप कोई हटाना चाहते हैं तो इस पर हटा दीजिए, सर पे हट जाएंगे। और ये जो सारी लिस्ट है ये जिले से ऐड होकर आती है, तो आप इसको अपने हिसाब से ऐड नहीं कर सकते ग्राम पंचायत लेवल से। तो इसमें मेजरली सब आइटम्स जो हैं वो आ जाते हैं लगभग, जैसे अदर मशीनरी और गिट्टी सीमेंट सरिया ये सब इसमें ऑलरेडी लिस्टेड है। अगर आपके में नहीं है तो आप अपने संबंधित जिले से संपर्क कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन लिस्ट करने के बाद हमको सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करोगे थोड़ी सी प्रोसेसिंग होने के बाद आइटम हैज़ बीन मैप्ड का आपको पॉपअप आ जाएगा, इस पर आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे तो अब आपको मेकर वाली आईडी पर आ जाना है और दोबारा से इसको रिफ्रेश करके एक बार और इस पेमेंट को हम दोहराएंगे तो इसमें हमको मटेरियल्स नज़र आएंगे।
तो चलिए मैं इधर पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ वर्क की। वर्क सिलेक्ट करने के बाद स्कीम नेम में XBFC, देन ड्रॉप डाउन सर्च टाइड ग्रांट वाटर सप्लाई देन अदर एक्सपेंडिचर देन हेड्स में आपको सिलेक्ट कर देना है। ऑब्जेक्ट हेड में सप्लाई एंड मटेरियल्स पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख पा रहे होगे इतने सारे आइटम्स की आपको लिस्ट नज़र आ रही है जो भी आपने परचेजिंग की हुई है बिल में, आप इधर पे डाल दीजिए। जैसे मान के चलिए मैंने इधर पे सीमेंट क्लिक कर लिया है। एग्जांपल के तौर पर हमें इधर पे एक अमाउंट डाल देंगे, जैसे मान के चलिए मैं इधर पे 3600 डाल देता हूँ। देन इसमें भी मैं डाल दूंगा अमाउंट, जो भी आपका अमाउंट है 3600 में इधर पे एंटर कर दूंगा। देन जो भी आपने आइटम परचेजिंग की हुई है उस, जैसे मान के चलिए मैं एक सीमेंट पर क्लिक कर लूँगा और इसमें यूनिट्स डाल दूंगा, जितनी भी यूनिट्स आपने परचेज की हुई है क्वांटिटी आपकी 10 है और जो भी आपकी रेट है टोटल उसको आप लिख देना है, टोटल वैल्यू उसकी कितनी है 10 यूनिट्स की, तो 3600 में इधर पे मेंशन कर दूंगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो आप 3600 का जो वाउचर है वो बन चुका है। ऐसे ही आप मल्टीपल आइटम्स भी इसमें ऐड करके पेमेंट वाउचर बना सकते हैं। तो दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं, अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जा करके हमें मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। और कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक छोटा सा कर दीजिए जिससे कि हमारा मोटिवेशन वीडियोज़ को बनाने के लिए बना रहे। तो आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।